नमस्कार। मैं आज कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों के मन में गलत फहमियाँ रहती है, कुछ रियली प्रॉब्लम रहते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन लोग कंसल्टेशन करते रहते हैं, आते रहते हैं, व्यक्तिगत मिलते हैं, चर्चा करते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ लोग ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति है, इसकी उम्र है 42 साल, गवर्नमेंट जॉब में है। और उनका प्रॉब्लम ऐसा था कि उनकी एक किडनी जो है, एक गुर्दा, एक किडनी खराब हो गई। खराब होने के बाद में किडनी तो निकाल दिया, मगर प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि भाई मैं कमज़ोर हो गया। देखो, बिलीफ जो है ना, सबसे खतरनाक कार्यक्रम है बिलीफ का। एक थॉट आ जाता है, उसके ऊपर विश्वास करते और बिलीफ तैयार हो जाता है। किडनी गई, इसका मतलब मैं भी काम का नहीं रहा, मैं भी कमज़ोर हो गया। जैसा ये बिलीफ आ गया, उनका इरेक्शन आना ही बंद हो गया। थोड़ा बहुत कभी इरेक्शन आता था तो शीघ्र पतन होता, और फिर दूसरे टाइम वो और कोशिश करते थे, फिर आधे घंटे के बाद में जमता ही नहीं, तो सेकंड टाइम भी सेक्स नहीं कर सकते। फिर वाइफ चिड़चिड़ कर रही। देखो होता क्या, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, सेकंड टाइम आप कैसे क्या करते हो, इतनी आपकी उम्र है 42 साल की, आप कैसे क्या सोच सकते कि भाई 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद में मुझे एकदम इरेक्शन आ जाएगा। नहीं, पहले आता था। अरे भाई, पहले आता था वो कब की बात थी, 18, 19, 20, 21 साल, जब आपकी उम्र 20 साल की थी, तब सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते 42 साल की उम्र। एक बार खाना खाया तो दोबारा खाना 1 घंटे में खाते हैं क्या? नहीं खाते। मगर अभी मुझे इनका बिलीफ ठीक करना पड़ा, और बिलीफ ठीक जब किया मैंने कि किडनी का और इरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इरेक्शन को और प्री मैच इजैकुलेशन को दवाई दिया तो वो ठीक हो गए। ये हो गया एक। दूसरा, उम्र है 34 साल, इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा घाटा बिजनेस में आ गया, उसकी वजह से डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद में चालू हो गई शीघ्र पतन की समस्या, जल्दी गिर जाना। उनके शब्द में बोलना है कि 3 मिनट के अंदर ही झड़ जाता है, सेक्स में रुचि नहीं आती है, और उस वजह से संतुष्टि नहीं मिलती है, मतलब ऑर्गेजम नहीं होता। लिंग में तनाव आना ही बंद हो गया है। कभी कभी यही मेन समस्या होती है कि लिंग में तनाव ही नहीं आता, और दूसरे बार सेक्स करने के बाद पेन फील होता है। इसका मतलब दूसरी बार सेक्स कर रहे हैं मगर पेन फील हो रहा है, दर्द हो रहा है। इन्होंने लिखा है कि बीपी हमेशा लो रहती है, और पिछले 6 महीने में ये प्रॉब्लम है, पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम है, और 6 महीने से टेंशन बहुत आ रहा है, और कम से कम 8-9 किलो वजन कम हुआ है टेंशन की वजह से। ओवरथिंकिंग इसके बारे में हो रही है, बार बार ओवरथिंकिंग हो रही है कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ कि नहीं होंगे, मेरा पैसे का प्रॉब्लम का कैसा हल हो जाएगा, फिर ये ठीक होगा नहीं होगा, अब तो मैं काम में से गया, अभी मैं आदमी नहीं रहा, ऐसे काफ़ी सारे निगेटिव थाट्स आते रहते, उलझे रहते हैं, और दिमाग फिर स्थिर नहीं रहता है। तो इनको नेचुरली काउंसलिंग और दवाइयाँ देने से ये अच्छे हो सकते हैं, अच्छे भी हो गए। फिर तीसरे जो है, इनकी उम्र है 40 साल की, और इनका भी ये प्रॉब्लम है कि शीघ्र पतन है 1 मिनट के अंदर, और लिंग में टाइटनेस नहीं आता है, और फिर इसके वजह से दोनों की पट नहीं रही है, और इनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका कहीं तो भी बाहर है, मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाहर ये अपने आप को खुश करके ले रही है, और फिर रोज़ झगड़े झंझट हो रहे हैं। उनको मैंने ये ठीक करने के लिए दवाई दिया, तो ये एक प्रॉब्लम था। फिर और एक है, इनकी उम्र है 22 साल, और 22 साल की उम्र में होता क्या है कि आजकल लोगों को पॉर्न वीडियो देखने की बहुत आदत रहती है, पॉर्न देखते हैं, पोर्नोग्राफी में लिंक बहुत बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि वो एक्टर है, वो तो स्पेशली लोग लाए रहते, फोटोग्राफी होती, शूटिंग होती बराबर, तो उसमें सब ड्रामेटिकली बताया जाता है। वो देखा उन्होंने, उनको लगा कि अपना लिंक छोटा है, जो देखते हैं पिक्चर में उससे भी छोटा है लिंग, और उनका दिमाग ख़राब हो गया फिर, और बहुत ही अपराधीपन की भावना आ गई, लोगों में जाना बंद कर दिया, कॉमन टॉयलेट जैसे मूत्री घर पब्लिक के, वहाँ जाना बंद कर दिया, जब लोग पेशाब कर रहे हैं वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग देखेंगे तो अपना कैसा होगा, और इनको नाइटफॉल की शिकायत हो रही है, 2-3 दिन में एक बार नाइटफॉल होता है। तो ये नॉक्चर्नल इमिशन जो है, नाइटफॉल, तो इससे लोगों को लगता है कि अपना वजन कम हो रहा है, अपने को भूख नहीं लगती है, ऐसा उनको लगता है, और इसके वजह से ही अपने लिंग में टाइटनेस नहीं आता है, या उसके वजह से लिंग छोटा हो गया। तो उनको ज़रूरत है काउंसलिंग की कि नाइटफॉल ये नॉर्मल है, नॉर्मल है नाइटफॉल, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और लिंग जो छोटा है, ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली लिंग छोटा रहता नहीं है, छोटा बोले तो 1 इंच से कम, इतना तो छोटा रहता नहीं है, और जिसका है उसको प्रॉब्लम डेफिनेटली है, मतलब उसका हार्मोनल ठीक नहीं है, हार्मोनल लेवल्स ठीक नहीं है। यूजली क्या होता है कि लिंग के ऊपर बहुत बड़ी फैट होती है, चर्बी, उसके अंदर लिंग दब जाता है, लोगों को लगता है कि लिंग छोटा है,
और वहाँ आजू बाजू में बहुत बाल बड़े हुए रहते हैं, उसमें वो दब जाता है, उनको लगता है कि छोटा है। मेरा अलग एक वीडियो है छोटे लिंग के बारे में, वो देख लेना है तो आपको ये लिंग छोटे का प्रॉब्लम आपका निकल सकता है। फिर ये है कि हस्तमैथुन की आदत है, और हस्तमैथुन कम से कम एक बार तो करते ही रहते हैं। हस्तमैथुन करने के समय बहुत अच्छा टाइटनेस आता है, मगर सेक्स करने के समय टाइटनेस नहीं आता है। शादी हो चुकी है, औरत के साथ में अभी एक बार भी संभोग नहीं किया है। शादी होके एक महीना हो गया, औरत चिल्ला रही है, सबको उसने बोलना चालू किया कि मेरा आदमी आदमी में नहीं है। इनको मालूम है कि अपना इरेक्शन तो होता है, मास्टरबेशन में होता है, औरत के साथ में डर लगता है, तो उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, और वो भी हमने काउंसिलिंग करके उनकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है उसको ठीक करवा लिया। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी टू परफॉर्म नहीं होता है। फिर ये 31 साल के हैं, पहले हस्तमैथुन करने की आदत थी, वो बंद कर दिया, अभी टाइटनेस नहीं आता, शीघ्रपतन होता है, और उससे पत्नी का समाधान नहीं होता है। आयुर्वेदिक दवाई लिया, मगर दवाई से कोई आराम ज़्यादा हुआ नहीं, नकारात्मक विचार सेक्स के आते रहते हैं। पत्नी को इनके मानसिक प्रॉब्लम है, और वो दवा में चल रही है, दवा पर चल रही है, उसको दवा है चालू साइकेट्रिस्ट की, और उसको शक आता रहा है। तो अभी क्या हो गया कि उसको तो शक आ रहा है और उसको जम नहीं रहा है, शक और बढ़ गया, दवाई और बढ़ रही है, उसको पत्नी को एडमिट भी करना पड़ा, और उसको शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ी पत्नी को। और ये सब होने से क्या हो रहा है कि उसको भी इच्छा कम होती है, अभी इनका अभी तक सेक्स जो है वो हो ही नहीं, चालू है दवाई चालू है, और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, एक दूसरे की दवाई चालू रखना। तो उनको मैंने बोला भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग करो ठीक हो जाएगा। और उनको फिर मैंने PDE5 इनहिबिटर्स दवाई दिया, जिससे कि उसको सेक्स आने लगा, इरेक्शन आने लगा। फ्लॉक्सिटिन डेपॉक्सिटिन ये दवाई है ना, ये अच्छा काम करती है, जल्दी गिरने से रोकती है, तो वो भी दिया तो बहुत फ़ायदा हो गया उसको, और उनका जीवन भी ठीक चालू है। ये और एक समस्या है, 32 साल का लड़का है, शादी होने की बाकी है, गर्लफ्रेंड के साथ में बात करता है, और बात करते करते चिपचिपा पानी आता है। हमने पहले बताया कि चिपचिपा पानी आना एकदम नॉर्मल है, लड़की के साथ में बात करते करते, इसको कुछ बंद करने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है, ठीक है ना। ये दूसरा भी है कि फ़ोन पर बात करते करते पत्नी के साथ में, ये पत्नी के साथ में हो रहा है इसको, ये आदमी मिलिट्री में है, और अर्थात तो वाइफ वहाँ ले नहीं जा सकते हैं, घर में बात करते हैं, नई शादी हुई है, एक साल हो गया है, पत्नी के साथ में बात करें, चिपचिपा पानी आता है, तो ये भी नॉर्मल है, उसको भी हमने काउंसलिंग किया। तो ये मैंने अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, सभी का इलाज हो सकता है मेडिसिन और काउंसलिंग से। पहले इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि भाई कोई शारीरिक प्रॉब्लम है क्या, और शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इलाज, शरीर का प्रॉब्लम है तो भी इलाज करना तो पड़ेगा ही। सेक्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक समस्या है, और एक अविभाज्य अंग है अपना, कि भाई सेक्स तो एक भूख है, वो पूरी होना चाहिए, और नहीं होती है तो प्रॉब्लम है। लोगों को ये शेयर करो कि सेक्स में आनंद आना संभव है, सेक्स में इलाज संभव है। घर में बैठना और परेशान होना, शर्मा शर्मी में नहीं आना, किसी को कंसल्ट नहीं करना, ये खतरनाक साबित हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।